वट इज योर नॉन नेगोशियबल स्टैंडर्ड स्टैंड क्या है आपके वॉट इज योर नॉन नेगोशियबल स्टैंडर्ड पहले लिख लो फिर समझाता हूं जब आपको यह पता चल गया मेरे में अदृश्य व्यक्तित्व है अब उगाड़ूंगा मानोगे मेरी बात अरे मैं आपकी जगह ऑडियंस में बैठा होता मुझे अगर कोई आदमी वक्ता करिए कहता ना तेरे अंदर अदृश्य व्यक्तित्व है तो उघाड़ अगले दस घंटे के अंदर प्रमाण दे देता ये लो उघाड़ लिया इस जगह ये उघाड़ लिया कुछ भी ऐसा करता ये उगाड़ लिया सर ये पंद्रह लोग तैयार कर दिए मैं कर भी देता मैं कर भी देता मेरे को खबर लगती उनतीस तीस सितंबर को धमाका होने जा रहा है मैं बीस में पचास में सौ तैयार कर देता मैं परिचय देता अगले अगले 24 घंटे में यह परिचय कि मैंने अदृश्य व्यक्तित्व को उगाड़ लिया पहला दूसरा मैं अकेला शरीर नहीं हूं जिसे आज तक समझा था मेरे भीतर वो प्राण ऊर्जा है जो अनंत काल से बह रही है तो असली रौनक तो उसकी है असली रौनक उसकी है मुझे जब तक यह नहीं पता था तब तक मेरे से डीओ नहीं छूटा था तब तक सेंट नहीं छूटा था तब तक परफ्यूम नहीं छूटा था तब तक क्रीम पाउडर नहीं छूटे थे जिस दिन यह खबर लगी उस दिन मैंने आजीवन हर एक सौंदर्य प्रसादन का आजीवन त्याग कर दिया उसी दिन त्याग कर दिया अब कभी नहीं करूंगा इसका संरचना इसकी सेवा पे नहीं लगूंगा प्राण ऊर्जा बह रही है और आपके मन और विचारों को प्रकट कर रहा है ये आपका मन क्लियर है दो चीजें तो अब इस पे आओ हर स्लाइड में दो चीजें हैं एक है संसार एक है पारलोक पकड़ में आ रहा होगा आप किसी वो कंफर्ट जोन में आए थे तब तो हम समझ गए थे आ गए संसार में और ये अदृश्य बातें चलती है तो सर बहुत नींद आती है तो मैं इसी लाऊंगा ना नींद भी जग भी जाओगे बीच में इसे क्या कहते हैं नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड इसका कोई मतलब समझाएगा जल्दी 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 ओ भाई लोगों जल्दी जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है जिसमें जिसमें कोई मोल भाव नहीं है नकारा नहीं।, नकारा नहीं जा सके ओके और बोलो मैं जब भी जाता हूं तो बड़े कॉरपोरेट्स में जाता हूं उनके ओनर्स उनके जीएम उनके बड़े बड़े लोग मतलब तीन साल पिछले देखो तो ही ऐसे लोगों की संगत की मैंने पहले इसे इतने बड़े लोगों से मिला ही नहीं तो जब वहां जब जाते हैं तो भाभी जी वहां दारू की होती है वहां गिलास होते हैं और वहां ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है कॉकटेल पार्टी उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है उन्हें बहुत ताजुब होता है जब मैं अपना थेला लेके आता हूं कि इस में क्या है कि खाना है और इस बोतल में क्या है कि पानी है हैं खाना पानी है ओके okay. तो ये दारू ये मैं नहीं लूंगा अगर एक करोड़ दें तो हां तो फिर थोड़ी सी ले सकते हैं ऐसा ये शरीर छूट जाए अभी अगले क्षण छूट जाए ये कुबूल है लेकिन ये मैं कभी नहीं लूंगा बड़े से बड़े साधु बड़े से बड़े संत इनके लिए भी कहा गया भैया मर्यादाओं मेरे ना क्यों कहा गया है क्योंकि स्त्री जाति के ऊपर मन सबका आता है मन सबका बहकता है काम वासनाएं सबकी जागृत होती है क्योंकि शरीर का नैसर्गिक पार्ट है यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है तो फिर अगर कहीं से ऑफर आए और पूरे विश्व में किसी को नहीं पता चले तो पिसलने में कोई दिक्कत है झूठ मत बोलो मां कसम सच बोलो मैंने वहां से तपस्वियों तक को भी ले लिया है उनके लिए मैं इनका बनाई गई है उनका ध्यान वही भंग कर सकती है लेकिन भंग कर सकती है कि नहीं है। ये सच्चाई है कि नहीं है। लेकिन आपके पास ये अवसर हो आपके पास ये अवेलेबिलिटी हो तो फिर नेगोशिएबल कर सकते हैं नेगोशिएट कर सकते हैं जल्दी बोलो ऐसा आप अपने लिए बता रहे है? नहीं बता पाओगे लेकिन मैंने अदृश्य व्यक्तित्व तो को उघाड़ा है मैं बता सकता हूं मेरे शरीर से प्राण छूट जाए लेकिन मेरा शील कभी बिकने नहीं दूंगा बिकेगा नहीं गिर भी नहीं रहेगा किस बल पे बोला रे क्योंकि मुझे किसी ने बताया सुन तेरे भीतर अदृश्य व्यक्तित्व तो उगाड़ ले मैंने उगाड़ लिया मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड जब मैंने जीवन में पहली बार सुना तो मैंने 68 पॉइंट लिखे जहां शरीर छूट जाए लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा आ, सर ये पैसा है आप थोड़े दिन रख लो मैं इसको रख लेता हूं तो फिर मैं मन में सोचू उसको मैं बरत लूं और आपके पास रहेगा तो जाएगा कहां बरत लेता हूं तो आपके लिए नेगोशिएबल है हां है कबूल करो सच बोलो झूठ मत बोलो ये है मेरे लिए नहीं है मेरे लिए नहीं है किसी का प्रोडक्ट रख लूं मेरे लिए नहीं है किसी को विश्वास दिला के धोखा दे दूं मेरे लिए नहीं है मेरे लिए नहीं है कह के बदल जाऊं मेरे लिए नहीं है मेरे लिए 68 चीजें ऐसी है जो नॉन नेगोशिएबल है उसमें शरीर और देह छूट जाए लेकिन मैं उनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा आपकी कितनी है कि सर सुना तो आज है आज जाके कैलकुलेशन करेंगे कि भाई है भी कि नहीं है मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर को समझाने का सब्जेक्ट है बेचारा क्या अभी जीवन में सिद्धांत समझेगा बेचारे के पास कोई नीचे लोग नहीं कोई ऊपर लोग नहीं है अच्छा मुझे कई लोग ये भी कहते हैं अब सर क्या आप जिस जगह पहुंच गए वहां तो लोगों को जोड़ो चाहे मत जोड़ो और अब खुद तो आप बड़ी बड़ी शोपिया लेके जुड़ जुड़ा कर खुद ने तो लेवल ले लिया और ऐसे हम अब करने लगते हैं तो आप ज्ञान देते हैं सही कह रहा है उसकी बात में सच्चाई और न्याय है कि जिस वक्त हमारा भी लालच उमड़ता था जिस वक्त हमें भी लगता था यार ये दो लाख आ जाए यार ये कैसे भी तीन लाख का काम हो जाए यार, तो यार लेवल में इतना सा ही बचा हुआ है यार मुझे कबूल है ऐसा लालच हम में आता था मुझे स्वीकार है ऐसा लालच हम में आता था मुझ में आता था लेकिन मैंने अपने अदृश्य व्यक्तित्व को उठाया और उस लालच को लात मारना शुरू किया धीरे धीरे लात में पावर जागना शुरू किया और धीरे धीरे इतना जगाने के प्रयास किया कि अब यह यकीन हो गया कि सब कुछ छूट जाए लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा सब कुछ छूट जाए ऐसा रास्ता जो समाज के लिए और सोसाइटी के लिए घातक हो वो नहीं अपनाऊंगा